स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल बिहार हेल्प में, और मैं हूं अजीत। दोस्तों, अगर आप भी 2021 में जो है इंटरमीडिएट में नामांकन लिए हैं, यानी कि आपका सेशन जो है 21 से 23 है, तो दोस्तों इसका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है, और सेशन आपका 21 से 23 होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने एडमिशन इस बार कराया है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, और किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है, और साथ में दोस्तों आपको ये भी बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, यानी कि संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों गलती होता है तो क्या होता है कि आपका एडमिट कार्ड गलत आ जाता है, तो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने ब्राउजर में जो है सर्च कीजिएगा biharhelp.in। दोस्तों बिना स्पेस के आप सर्च कीजिएगा और .in ही लगाइए, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट आ गया है। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है एजुकेशन, यहाँ पे एक कैटेगरी दिखेगा, देख सकते हैं एजुकेशन लिखा हुआ है। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे मोबाइल में दोस्तों, आपको यहाँ पे आइकन आता है, कोई फिलहाल दोस्तों सबसे एक नंबर पे मिल जाएगा बिहार बोर्ड इंटर रजिस्ट्रेशन 2023। देख सकते हैं आपको बाद में ये पोस्ट नीचे चला जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। तो ऐसे आपको डायरेक्ट इस पोस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हर एक जानकारी डिटेल में समझाया गया है, कब से कब तक इसका डेट वगैरह है। फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पे 8 तारीख की डेट रखा गया, बाद में ये डेट बढ़ जाएगा, 100% फिक्स है, हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है डेट वगैरह में चेंजिंग हो। आप घबराइए मत। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो है एक फोटो लगने वाला है, उसके बाद दोस्तों आप समझ लीजिए फोटो आपका लगेगा ही, जो कि पासपोर्ट साइज होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है, आपको मान लीजिए यहाँ पे जो है एक सिग्नेचर करना पड़ता है, ये सब आपका नॉर्मल चीज है, कुछ खास लगता नहीं है, और मैट्रिक का तो आपका मार्कशीट लगेगा ही। तो ये सारा डिटेल आप देख लीजिएगा, नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसमें आपको बारीकी से डिटेल समझाया गया है। और दोस्तों अगर आप पैसा जानना चाहते हैं कितना पैसा लगेगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन है, तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में भी आपको बारीकी से एक चीज के बारे में डिटेल में समझाया गया है, जैसे कि आपको 885 रुपया यहाँ पे रखा गया है, जो कि अगर आप अपने कॉलेज में कराते हैं, अगर दूसरे बोर्ड का है तो यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो ये सारा यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे चलिए हम देख के बताते हैं फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। सबसे नीचे यहाँ पे हमारे इसी पोस्ट में लिंक मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर आर्ट्स के लिए दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड है, उसके बाद साइंस है, कॉमर्स है, वोकेशनल है। यहाँ पे हम आर्ट्स पे क्लिक करते हैं। दोस्तों सबका सेम प्रोसेस है, सबका सेम फॉर्म है, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट में थोड़ा चेंजिंग होता है, दूसरा कुछ नहीं रहता है, सबका एक ही तरह के मान के चलिए। तो दोस्तों डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे हम आपको दिखला देते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, जो कि आप समझ गए पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी में अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर डालिएगा, उसके बाद दोस्तों कॉलेज का कोड आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद कॉलेज नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अपने यहाँ पे सब डिविजन नेम डालना है, याद रखे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट नेम डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालिएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट का हिंदी में नाम लिखना है, देख सकते हैं इस बॉक्स में ही आपको भरना है, बाहर नहीं जाना है, एक एक वर्ड को मदर्स नेम डालना है, उसके बाद हिंदी में यहाँ पे बॉक्स नहीं बना हुआ, हिंदी में भी मदर्स नेम, फादर्स नेम हो गया, उसके बाद हिंदी में फादर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, इसमें आपको डेट डालना है, इसमें मंथ डालना है, इसमें आपको साल डालना है, वो भी दोस्तों 10th के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे जो भी काम करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैट्रिक का मार्कशीट का पासिंग बोर्ड का नाम लिखना है, उसके बाद दोस्तों आपको मैट्रिक का रोल नंबर, रोल कोड हो गया, रोल नंबर हो गया, पासिंग ईयर यहाँ पे आपको डाल देना है, उसके बाद जेंडर एम में आपको टिक कर देना है, जिसमें भी है टिक मार दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास आप कैटेगरी आपका आता है, STSC जो भी है, सबका यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप विकलांग वगैरह है तो यहाँ पे यस करेंगे, न तो नो कर दीजिएगा। नेशनलिटी में जो है यहाँ पे इंडियन कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिलीजन में जो भी है, हिंदू मुस्लिम सबका यहाँ पे ऑप्शन है, सब में आप टिक कर सकते हैं जिसमें भी है। उसके बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद दोस्तों आधार नंबर डालना है, इसे सब दोस्तों सही डालिएगा, क्योंकि दोस्तों बाद में दिक्कत हो जाता है, एड्रेस डाल देना है। उसके बाद मैरिड स्टेटस में मैरिड है या अनमैरिड है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है, बैंक का ब्रांच नेम, IFC कोड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन में दोस्तों अगर आपके पास कुछ कट मार्क वगैरह है तो दोनों में आप डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो भी आप डाल सकते हैं, अगर मान लीजिए कुछ शरीर में कटपट है। मीडियम आप बताइएगा कौन से मीडियम में आप परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद मेन आता है दोस्तों यहाँ पे आपको जो है
सब्जेक्ट वाला बहुत ज्यादा दिक्कत होता है सब्जेक्ट में बहुत सारे दोस्त को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको जो है कंपल्सरी में दो दो से नंबर का यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए हिंदी इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश तो आप लेना ही होगा 100 नंबर, उसके बाद अगर हिंदी के बदले आप जो है भोजपुरी वगैरह भी ले सकते हैं, इसमें सब रहता है। 200 नंबर तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 300 नंबर में दोस्तों इस वाले ग्रुप में आपको जो है लेना पड़ेगा 300 नंबर में जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, 300 ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं, 600 नंबर हो जाएगा, 500 मेन होता है, एडिशनल 600 हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद गार्जियन का यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में इंग्लिश में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तो आपको ये प्रिंसिपल करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये फॉर्म भर के आपको अपने कॉलेज में जो है जाकर मैट्रिक के मार्कशीट फोटो सारे चीज लेके पैसा लेकर जाना है और दोस्तों वहां पे जमा करना है, जिसके बाद दोस्तों कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। समझ लीजिए दोस्तों कॉलेज का तो डेट बहुत आगे तक है, तो डेट पर आप गौर मत कीजिए। सबका यहाँ पे साइंस कॉमर्स सबका पोस्ट मतलब फॉर्म का लिंक है यहाँ पे देख लीजिए, साइंस का भी है, तो इसी तरीके से साइंस का भी फॉर्म भर के आप जमा कर सकते हैं और आपको फॉर्म जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है कि जैसे आपका काम हो जाएगा तो आपका जो है डमी एडमिट कार्ड का प्रोसेस वगैरह आगे चल जाता है। तो यही जानकारी था दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए कि मेरा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है अगर आप 2021 में नामांकन लिए हैं तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।